अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, आप सब लोग कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा मैंने लिया है, बेस ऑलरेडी बनी हुई है, इसके ऊपर चिकन डालूँगी और मोज़रेला चीज़ लेके आई हूँ, ये डालूँगी तो हमारा जल्दी से चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बन जाएगा। चिकन मैरिनेट करूँगी, ठीक है। चिकन मैरिनेट करेंगे और हम इसको करेंगे चिकन टिक्का मसाला के साथ। पहले हम चिकन को वॉश कर लेंगे और फिर हम इसको करेंगे मैरिनेट, ठीक है। तो आज आप मेरे साथ इसी तरह रहें, बने रहें, मैं आपको बताती हूँ कि प्री मेड डो के साथ हम कैसे 2 मिनट्स में यमी पिज़्ज़ा बना सकते हैं अपनी मसाला की टॉपिंग डाल के, ठीक है। तो मैं चिकन वॉश करती हूँ, जब तक मैं चिकन वॉश करती हूँ आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें, थैंक यू। देखिए मैंने चिकन को जो है ना वो छोटी छोटी बोटियों में काट लिया इस तरह करके। अब मैं इसको मैरिनेट करूँगी, ठीक है। मैरिनेशन मैंने बिल्कुल सिंपल करना है, कोई ज़्यादा कुछ नहीं डालूंगी। ये सीधा सीधा तंदूरी मसाला, टिक्का मसाला, ठीक है, कोई भी कंपनी का ले लें जो आपको पसंद है। कमान, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें, क्योंकि मैं थोड़ी सी काली मिर्च भी डालूंगी। बहुत मेहनत करके, बहुत सोच सोच के आपके लिए ब्लॉग लेके आती हूँ, आपके लिए वीडियोस लेके आती हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा नमक डालूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि ये जो मसाले होते हैं इनमें ऑलरेडी होता है, तो बिल्कुल स्प्रिंकल करूँगी ऊपर थोड़ा सा, ठीक है। और ये लेमन जूस डालूँगी, ये खुल नहीं रहा मेरे से, खोल के आती हूँ। ये खुल गया लेमन जूस, ठीक है, और ये मैंने लेमन जूस डाल दिया अच्छी तरह से। ये जब मैं चिकन बनाऊँगी फिर उसके ऊपर भी डालूंगी जब फ्राई करूंगी चिकन को, ठीक है। तो अब ये हम मसाले को, दही वगैरह कुछ नहीं डालना मैंने, गार्लिक जिंजर भी कुछ नहीं डालना, सिर्फ ये इसी के अंदर होगा। इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर ले इस तरह, ठीक है। तो ये तो काफ़ी सारा चिकन है, तो सारा नहीं बनाऊंगी, 3 पिज़्ज़ाज के लिए चाहिए, स्मॉल पिज़्ज़ाज के लिए, तो उन्हीं के लिए थोड़ा सा बनाऊंगी चिकन टॉपिंग के लिए, ठीक है। बाकी मैं सेव कर लूँगी, शायद मैं चिकन पीटा बनाऊँ तो उसमें काम आ जाए। चिकन पीटा की मैंने आपको ऑलरेडी रेसिपी दी हुई है, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाएँ, पीछे जाके आप देख सकते हैं ना आराम से रेसिपी को, वेन्स निकालने। और ये मैं आपको बताऊंगी, मैंने चिकन ब्रेस्ट लिया है, ठीक है। ब्रेस्ट अच्छी होती है, सॉफ्ट होती है, और स्मॉल स्मॉल पीस करके अगर आप टॉपिंग में डालें ना तो अच्छा रहता है, ये मज़े की रहती है, ठीक है। ये अच्छी तरह से मिक्स कर लें और आएं चलें अब इसको करते हैं फ्राई। आप चाहें तो आप इसको 1 से 2 आवर के लिए रख सकते हैं, लेकिन मैंने अभी बनाना है तो मैं इसको अभी बना लूँगी, ठीक है। आए चलें इसके साथ मेरे साथ फ्राई का यहाँ के। ये देखिए मैंने बस थोड़ा सा चिकन लिया क्योंकि मुझे टॉपिंग के लिए चाहिए, ऑयल डाला, खुला सा पैन लिया और मैं इस चिकन को अच्छी तरह से इस तरह भून लूँगी, ठीक है। और फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसको टॉपिंग पे कैसे लगाएंगे हम पिज़्ज़ा की। आप कोई भी टॉपिंग चूज कर सकते हैं, पाइनएप्पल चंक्स भी डाल सकते हैं, लेकिन इस वक्त हम सिर्फ चिकन टिक्का की टॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। अच्छी तरह से भून के तो पिज़्ज़ा पे हम इसकी टॉपिंग करेंगे। उस तरफ मेरा चिकन हो रहा है फ्राई और मैंने ये जो है इसको ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया और मैं इसको करूँगी अब अनपैक, ठीक है। इसको अनपैक करेंगे और पिज़्ज़ा को हमने रखना है कितनी देर, गैस मार्क 6 पे 6 to 8 मिनट के लिए, ठीक है। तो इसके
इसके ऊपर सॉस इनफ है, लेकिन अगर आपको और सॉस डालनी है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये सॉस इनफ है। ठीक है, इस तरह आप इसको प्लेट में निकालें और फिर इस चिकन को ठंडा करके हम डालेंगे। ठीक है, ये देखिए आप देख सकते हैं चिकन का अपना पानी निकलना शुरू हो गया है, सारे जूसेस निकलना शुरू हो गए हैं। बस हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, पानी को अच्छी तरह से पुशअप कर लेंगे, इसका खुद ही पानी निकलेगा, जूसेस निकलेंगे। ठीक है, चिकन तो ऑलरेडी गल गई हुई है, लेकिन हम इसका पानी अच्छी तरह से पुश कर लेंगे और इस स्टेज पर हम थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगे। ये देखिए मैं थोड़ा सा लेमन जूस डालूँगी और फिर इसकी भुनाई करूँगी। ये देखिए चिकन अच्छी तरह से ब्राउन हो गया है, सारा पानी इसका पुश हो गया है। अब हम इसको ठंडा करके टॉपिंग पर डालेंगे। ठीक है जी, चीज़ को हम कर लेंगे ओपन। क्या इस तरह से पहले हम डालेंगे चिकन, इस तरह हमने चिकन डाला। ठीक है, और अब हम इसके ऊपर डालेंगे चीज, चीज से हम कर देंगे पिज्जा को इस तरह कवर। ठीक है, और हम इसको रख देंगे ओवन में। तो ओवन में रखेंगे हम गैस मार्क 6 और 6 to 7 मिनट्स के लिए। ठीक है, ये बहुत जल्दी क्विक पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी है, ऑलरेडी मेड डो है, बहुत अच्छी ये डो होती है और थिन पैन पिज़्ज़ा रेडी हो जाते हैं 2 मिनट्स में। ठीक है, थोड़ी सी एजिस पे चीज़ और डाल दूँगी इस तरह। तो अब मैं इसको रखूंगी ओवन में। ये देखिए मैंने तीनों पिज़्ज़ा रख दिए हैं। ठीक है, और मैंने क्या किया है, फॉइल पेपर के ऊपर ना थोड़ा सा प्लेन फ्लावर लगा के तो उसके ऊपर डो रखी है, नहीं तो ये डो चिपक जाएगी। ठीक है, अब मैं टाइम नोट करूंगी, अलार्म लगाऊंगी 6 to 7 मिनट का, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा चीज़ मेल्ट हो गया है, बस 2 मिनट्स रह गए हैं, उसके बाद मैं इनको निकालूंगी। अभी मैंने ओवन को बिल्कुल नहीं खोला, मेरे मुंह में इतना पानी आ रहा है ना। चिकन मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया था, इतना ज़बरदस्त बहुत जूसी सा चिकन बना, तो पिज़्ज़ा भी ऑलमोस्ट हो गया, बस 2 मिनट्स रह गए। तो जब मैं इसको निकालूँ, जब मैं पिज़्ज़ा को ओवन से निकालूँगी फ़ौरन नहीं काटूँगी, 1 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने दूँगी, क्योंकि चीज़ ना फिर सारी जब आप कट करते हैं ना तो वो सेटल नहीं होती। 1 मिनट के लिए आप छोड़ दें पिज़्ज़ा को ओवन से निकाल के, फिर उसके बाद कटिंग करें तो बहुत अच्छी स्लाइसिंग होती है। तो अभी बस 2 मिनट्स रह गए हैं, अलार्म अभी बजेगा टाइमर, तो फिर उसके बाद मैं निकालूंगी पिज़्ज़ा को, स्लाइसिस करूंगी और आपको दिखाऊंगी। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मैं बहुत मेहनत से वीडियोज़ बनाती हूँ, आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। ये देखें कितना अच्छा पिज़्ज़ा हो गया हुआ है, ब्राउन, चिकन भी ब्राउन हो गया है, चीज़ भी मेल्ट हो गई है। 2 मैंने निकाल लिए हैं और जो मेरा अदर स्लाइस है ना, जो अदर पिज़्ज़ा है ना, वो नीचे पड़ा हुआ था तो वो उसकी अभी तक चीज़ ब्राउन नहीं हुई, वो जरा सी हल्की सी और हो जाए उसकी डो तो फिर मैं उसको निकालती हूँ, 2 मिनट्स के लिए और रखूँगी। चले मैं इसके स्लाइसिस करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। जी ये देखें इसके किए मैंने स्लाइसिस, 4 स्लाइसिस करूँगी। ठीक है, चीज़ होगी अच्छी तरह से सेटल, और ये देखें, ये देखें, देखें आप कितना अच्छा, देखें ये देखें, देखा आपने, आप मोज़रेला चीज़ डालें वो ट्राई करें। ठीक है, और मैं आपको टेस्ट करके दिखा दूँ। ज़बरदस्त, बहुत मज़े का पिज़्ज़ा बना। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।